दोस्तों, अगर आप अपने LG TV में अपने किसी भी फ़ोन को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से अपने LG TV में किसी भी फ़ोन को कनेक्ट करके और उसका स्क्रीन आप अपने TV में देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये हमारी LG की TV है, इसमें हमें फ़ोन कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने TV से जो भी वाईफाई का केबल या फिर सेटअप बॉक्स का केबल लगा होगा तो उस केबल को हमें अपने TV से निकाल देना होगा। अब केबल को TV से निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपना रिमोट ले लेना है और यहाँ पर एक सेटिंग का बटन दिया होगा हमारे रिमोट में, तो हम यहाँ से सेटिंग वाले बटन को दबाएंगे। अब जैसे हम सेटिंग वाले बटन को यहाँ पर दबाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेगा। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से इंटरनेट का एक ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पर आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और अपने TV में किसी भी वाईफाई को कनेक्ट कर लेना होगा। तो हम यहाँ से अब ओके बटन को दबाएंगे और ओके बटन दबाने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्शन, यहाँ पर दिखाई देगा हमें कनेक्शन, तो हमें कनेक्शन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। अब कनेक्शन वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमें यहाँ पर इस साइड में आ जाना और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वाईफाई कनेक्शन, तो हमें वाईफाई कनेक्शन पर क्लिक करना है। अब वाईफाई कनेक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे एरिया में जितना भी वाईफाई अवेलेबल होगा वो सारा वाईफाई नेटवर्क यहाँ से शो होने लगेगा, तो हमें यहीं से किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना होगा। अब किसी भी वाईफाई नेटवर्क को कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने जिस फ़ोन को कनेक्ट करना है अपने TV के साथ में, तो हमें अपने फ़ोन के स्क्रीन में आ जाना है जिस भी कंपनी का फ़ोन होगा। और आप अपने फ़ोन को अपने TV से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आएंगे और जो आपने TV में अपने वाईफाई कनेक्ट किया है वही सेम वाईफाई आप अपने फ़ोन में भी कनेक्ट करेंगे, यानी जो वाईफाई आपके TV में कनेक्ट फ़ोन में भी कनेक्ट होना चाहिए। अब दोनों में सेम वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना है। तो हम यहां से अपने फ़ोन के सेटिंग में आएंगे और फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहां पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्टेड डिवाइस। तो दोस्तों, हो सकता है आपके फ़ोन में यहां पर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन दिया हुआ हो या फिर स्मार्ट पेयरिंग का ऑप्शन दिया होगा या फिर ब्लूटूथ डिवाइस का ऑप्शन दिया होगा, तो हमारे फ़ोन में यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन, तो हम यहाँ पर कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करेंगे। अब कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देगा कनेक्शन परफॉर्मेंस। तो हो सकता है आपके फ़ोन में यहाँ पे कास्ट का ऑप्शन दिया हो या फिर स्मार्ट मेयरिंग का ऑप्शन, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कास्ट, तो आपको कास्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपका TV यहाँ से सर्च होकर आ जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे जिस भी कंपनी की आपकी TV होगी उसका मॉडल नंबर यहाँ पर सर्च होकर आ जाएगा, तो आपको अपने इसी मॉडल नंबर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस मॉडल नंबर पर क्लिक करते हैं तो जो आपका फ़ोन होगा वो आपके TV के साथ में कनेक्ट हो जाएगा।